एक प्यारा सा गांव था। गांव में एक घर के पास एक मुर्गी रहती थी। उसने 5 अंडे दिए। 5 अंडों में से 4 में से प्यारे प्यारे चूजे निकल आए, लेकिन एक अंडा अंडा ही रह गया। कुछ समय बाद मुर्गी अपने अंडे को छोड़कर अपने चूजों के साथ खाना ढूंढने निकल पड़ी। तभी जो अंडा बचा हुआ था उसके फूटने की आवाज आई और उससे भी एक प्यारा सा चूजा निकला। चूजा अंडे से निकलने के बाद इधर उधर देखा और उसको उसकी माँ कहीं नहीं नजर आई। वह बहुत दुखी हुआ। फिर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा और फिर वह चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक गाय दिखी। गाय ने चूजे को देखा। गाय चूजे से पूछती है, किसे ढूंढ रहे हो? तो चूजे ने बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? तो गाय को चूजे पर दया आई। वह बोली, मुझे देखो, मैं कितनी बड़ी हूँ। तुम्हारी माँ तो मुझसे कितनी छोटी होगी। ओ, मेरी माँ छोटी होगी। और वह चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बकरी। तुम्हारा कद गाय से तो छोटा है, क्या तुम मेरी माँ हो? तो बकरी बोली, हाँ मैं गाय से छोटी हूँ, पर मेरे 4 पैर हैं। तुम्हारी माँ के तुम्हारी तरह 2 पैर और पंख हैं। बेचारा चूजा उदास होकर फिर खोज में चल गया। कुछ दूर जाने पर चूजे को पाँव पाँव की आवाज सुनाई दी। वह कौवे से बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? कौवा बोला, हाँ मेरे 2 पैर और पंख हैं। कौवा बोला, किंतु मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा ऊपर उठ सकता हूँ। तुम्हारी माँ के पैर और कद मुझसे बड़े हैं। चूजा बहुत उदास हो गया। तो कौवा बोला, निराश मत हो और आगे जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिल जाएगी। यह सुन चूजा उत्साह के साथ फिर खोज में निकल गया। थोड़ा और आगे जाने पर उसे बतख दिखी। तो वह माँ माँ कहते हुए उसके पास गया। बतख यह देखकर हैरान रह गई। चूजा यह देखकर बोला, माँ मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ। तो बतख बोली, नहीं बेटा। यह सुनकर चूजा रोने लगा, मैं अपनी माँ को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। यह देखकर बतख भी उदास हो गई। बतख बोली, तुम रो क्यों रहे हो बच्चे? तो चूजे ने उसे अपनी कहानी सुनाई। तो बतख ने कहा, तुम क्वैक क्वैक नहीं करते, तुम्हारी माँ कुकड़ुक्कू बोलती है। तभी पेड़ पर बैठी एक चिड़िया यह सब सुन रही थी और उसे चूजे पर दया आई और बोली कि तुम इस तालाब के किनारे से जाओ, आगे आगे तुम्हारी माँ मिल जाए। कुछ दूर चलने पर उसने कुकड़ुक्कू की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते भागा और उसने एक मुर्गी को देखा जिसके पैर कौवे से बड़े थे। चूजे ने माँ माँ करके मुर्गी की तरफ दौड़ा और अपने माँ के पास पहुँच गया। मुर्गी उसे बड़ा प्यार की और बोली, मैं तो तुम सबके लिए खाना लेने गई थी, तुम इस जगह से बाहर क्यों गए? तो चूजे ने सारी कहानी बताई।